जय हिंद शिक्षक साथियों और शिक्षक अभ्यर्थियों, नियमावली जब से आया है आप लोगों के लिए बिहार में 7th फेज की बहाली हो या शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर के लगातार आप लोगों तक अपडेट हम पहुंचाते रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंदर से आज क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है, 7वें चरण की बहाली को लेकर के हो या राजकर्मी के दर्जा को लेकर के हो, दोनों जो बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आगे आपको बताने वाले हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है कि 7th फेज की बहाली जो है, आपको पता है कि जितने अभ्यर्थी नाराज हैं उससे ज्यादा अभ्यर्थी खुश भी हैं। अब अभ्यर्थी में ही जब इतने खंड में बटे हुए हैं, अब जो अभ्यर्थी सीटेट इस बार पास कर गए थे उनके अड़ोसी पड़ोसी और ज्यादा खुश हैं कि अच्छा हुआ एक और एग्जाम लग गया, और जो कुछ इधर उधर कर करके और तब छलांग लगाने वाले थे उनके तो समझ लीजिए एकदम पंख ही कट गए। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है और इन बातों को देखते हुए जो जिस प्रकार से सरकार की रवैया है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की रवैया है, निश्चित ही 7th फेज में समझ लीजिए कि बगैर एग्जाम के कुछ नहीं होने वाला, यानी एग्जाम की बातें जो है वो 100% आगे आपका सही जाने वाला है और एग्जाम की तैयारी आपको करते रहनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्य यह है कि आप दोनों कार्य करिए, ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं विरोध भी कीजिए, लेकिन जितना आप विरोध करने में वक्त बिताएंगे उससे ज्यादा वक्त आप परीक्षा की तैयारी करने में कीजिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकता है। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, का बरसा जब कृषि सुखानो समय पाए पुनि का पुछतान। बीपीएससी है, कब आपको नोटिफिकेशन डाल दे, कब सिलेबस डाल दे और महीना दो महीना का समय दे करके आपको एग्जाम ले ले, तो महीना दो महीना में इतने बड़े सिलेबस का कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब शिक्षकों के लिए राजकर्मी का दर्जा हेतु इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए यह है कि प्ले स्टोर से सक्सेस की 92 का आप सक्सेस और की 92 एक साथ लिखेंगे, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए क्लास चलेगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के सक्सेस की 92 चुनिए और वहां पर सेलेक्ट करिए, उस पर जाकर के आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मटेरियल फ्री में वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। कल की कक्षा हुई थी ज्योग्राफी का, आज शाम 7 बजे से आपका साइंस का कक्षा है, निश्चित ही ज्वाइन करिए शाम 7 बजे से, ठीक है। तो ज्वाइन करिए, तैयारी अभी से शुरू कीजिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन तैयारी को बेहतर बनाइए, और बेहतर तैयारी होगा तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। बीपीएससी है, ठीक है, खेल नहीं है। पीटी का एग्जाम देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थोड़ी सी तैयारी आप करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर अगर विश्वास है, आत्मविश्वास है, 100% आपको सफलता मिलेगी। डरने से कुछ नहीं मिलता है, डरना नहीं है। अब आइए राजकर्मी के दर्जा के लिए जो शिक्षक हमारे हैं उनके लिए क्या अपडेट है। तो देखिए 3 अपडेट है, लोगों को शांत करने के उपाय जो है क्या चल रहा है, 3 अपडेट्स यहां पर है शांत करने के उपाय में। देखिए पहला है कि नियोजित शिक्षकों को अलग परीक्षा ली जाए। क्यों, यहां पर क्यों लिखा हुआ, क्यों लिया जाए, इसलिए कि नए अभ्यर्थी से पुराने शिक्षक को मुकाबला नहीं कर सकेंगे, यानी अलग परीक्षा लेने की बात हो रही है। शिक्षकों के लिए अलग कैडर बनेगा, एग्जाम का अलग सिलेबस बनेगा, अलग शेड्यूल बनेगा और उस हिसाब से लिया जाएगा, सिलेबस छोटा करके लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप शिक्षक जो है जो नौकरी कर रहे हैं तो कई वर्षों से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट से जब आपकी कंपेयरिंग होगी तो कहीं ना कहीं आप वहां पर पिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक की नौकरी में जो परीक्षार्थी हैं वो तैयारी तो कर नहीं रहे। दूसरा, नियोजित शिक्षकों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। जब 3 लाख सीट पर अगर बहाली होनी है तो 1 लाख नियोजित शिक्षक, अर्थात 33% की बातें हो रही है, 1 लाख नियोजित शिक्षक को प्रमोट किया जाए और 2 लाख नए लोगों को लिया जाए, अच्छी बातें हैं ये भी। और उसके बाद है 1 लाख सीट पड़ी हो जाए। तीसरा है कि तीसरा सीधी प्रोन्नति भी हो सकती है विकल्प, सीधी प्रोन्नति क्यों, तो तय किया जा सकता है कि 10 या 12 वर्षों की सेवा पूरा करने वाले नियोजित शिक्षक को प्रोन्नत कर जिला कैडर वाले शिक्षक में शामिल कर लिया जाए। तो यह खुशखबरी है शिक्षकों के लिए, हो सकता है आपके लिए अलग एग्जाम का कैडर बन जाए, हो सकता नहीं, आप मांग ही रखिए कि आपको अलग हो जाइए, आपकी मांग ही होनी चाहिए कि यह होना चाहिए, 1 लाख रिजर्व होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ये आपकी मांग होनी चाहिए। इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया, आगे है, चूंकि ये स्पष्ट रूप से कहा गया था पूर्व से भी, ये बातें थी
कि 10-12 वर्षों की सेवा के बाद जो है लोगों को प्रगति दिया जाए, 8 वर्षों की बाध्यता थी उस समय में। तो वास्तव में हर एक डिपार्टमेंट में होता है, 5 साल 6 साल 8 साल का आप अगर संतुष्ट भरा सेवा देते हैं तो निश्चित ही आपको प्रमोशन मिलता है, मिलना चाहिए यहाँ भी नहीं। तो चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, शिक्षक अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से तैयारी में जुड़ जाए और शिक्षक जो है वो भी तैयारी में जुड़ जाए। आपको एकमात्र विकल्प है, चाहे छोटा सिलेबस से परीक्षा हो चाहे बड़ा सिलेबस से परीक्षा हो, परीक्षा दोनों लोगों को देना है, ठीक है, दोनों लोगों को देना है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके होगा लेकिन परीक्षा दोनों लोगों को देना है। चलिए साथियों, अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए कि तैयारी में जुट जाए। साथियों तैयारी में जुट जाए, यही एकमात्र विकल्प भी है आपके पास। तैयारी करें और तैयारी करें साथ ही साथ चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा तरीके से सक्सेस की 92 आपकी पूरी तैयारी करेगी, हमारी पूरी टीम आपके पीछे लगी हुई है और पूरी एकदम बेहतर तैयारी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।